हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि टारगेट कर रहे हैं गेट 2025 को। और स्टूडेंट्स, आप में से जितने भी बच्चे गेट 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपके सामने तीन एग्जामिनेशन है गेट के। गेट बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए तीन कैटेगरीज में पेपर लेता है। वन इज गेट एक्सेल, विच इज दी लाइफ साइंसेज, जिसमें आपको पांच सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें से आपको दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। देन वन ऑफ द एग्जामिनेशन इज गेट BT फॉर द गेट बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। यहां से आप MTech और PhD में एडमिशन ले सकते हैं फ्रॉम IITs। एंड देन देयर इज दिस कैटेगरी विच इज गेट EY। इट इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द PhD एंट्रेंसेस इन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। तो यहां से आप इकोलॉजी और इवोल्यूशन के लिए PhD में एडमिशन ले सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट IITs। सो तीन कैटेगरीज में पेपर होता है, उसमें से जो एक कैटेगरी है विच इज गेट एक्सेल, गेट लाइफ साइंसेज, और लाइफ साइंसेज के अंदर आप देख सकते हैं कि पांच सब्जेक्ट्स है वो एज इन आपके ऑप्शनल पूछे जा सकते हैं। वन इज बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी, वन ऑफ देम इज बॉटनी, देन जूलॉजी एंड देन फूड टेक्नोलॉजी। तो उनमें से एक सब्जेक्ट बॉटनी जो कि है आपका सेक्शन R, इसका सिलेबस एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिलेबस एनालिसिस फॉर्म फॉर द बॉटनी स्टूडेंट्स। कैसा आपका सिलेबस रहता है, हम लोग एनालाइज करेंगे गेट 2024 के सिलेबस को, और 2025 में भी आप टारगेट कर रहे हैं अभी से स्टार्ट कर दे तो बहुत अच्छा है। 2025 में यही सिलेबस होगा रिवाइज्ड। मैक्स टू मैक्स हम बात करें, मैक्स टू मैक्स 5% हो सकता है, लेकिन 5% से ज्यादा रिवाइज नहीं होगा। हमने देखा 2023 और 4 के अंदर और प्रीवियस ईयर में ज्यादा चेंजेस नहीं है, वही सिलेबस रहेगा, क्योंकि बॉटनी जो है वो वही रहनी है। एक परफेक्ट सिलेबस है जो कि पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, इतने सालों से जो चलता आ रहा है सिलेबस, उसमें कोई कमी नहीं है। आपको प्रॉपर नॉलेज रहेगा बॉटनी का जैसे ही आप सिलेबस कवर करेंगे। तो यहां पर हम देखें XLR, ये एग्जैक्टली जो गेट की ऑफिशियल वेबसाइट थी 2024 के लिए, IISc बैंगलोर ने कंडक्ट करवाया था ये एग्जामिनेशन। एंड इस वेबसाइट पे जो मेंशन सिलेबस है उसको हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये सिलेबस है, ये डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। लाइक आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 है प्लांट सिस्टमैटिक्स का, सेक्शन 2 है प्लांट एनाटॉमी का, सेक्शन 3 में प्लांट डेवलपमेंट जिसमें सेल और टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस दिया है, सेक्शन 4 के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड सेक्शन 5 विच इज जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, देन सेक्शन 6 विच इज प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। इस तरीके से आपके सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 7 इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी, एंड द सेक्शन 8 इज प्लांट पैथोलॉजी, देन द लास्ट सेक्शन विच इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इस तरीके से 9 सेक्शंस में डिवाइडेड है। आइए देखते हैं एक एक करके सभी सेक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें प्लांट सिस्टमैटिक्स है। सिस्टमैटिक्स में बेसिकली आप पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में, नॉमेनक्लेचर्स के बारे में, हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशंस के बारे में। APG सिस्टम पढ़ेंगे आप प्लांट क्लासिफिकेशन का, फाइलोजेनेटिक्स का, क्लेडिस्टिक्स का, देन मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी एंड देन DNA बार कोडिंग। ये सभी चीजें आप लोगों को स्टडी करनी होगी इस सेक्शन नंबर 1 के अंदर, जिससे आपके 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे आपको। सेक्शन 2 है प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इस सब सेक्शन में आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको टिश्यूज पढ़ने होंगे, टिश्यूज गैदर करके आपको टिश्यू सिस्टम्स पढ़ने होंगे। आपको टिश्यू सिस्टम्स में जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, चाहे वो वेस्कुलर सिस्टम हो, जाइलम फ्लोएम हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम हो, सेकेंडरी ग्रोथ हो, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो, ये सारे पार्ट्स आपको करने हैं सेक्शन नंबर 2 में, जो कि आपका कवर करेगा 2 से 3 क्वेश्चंस को कम से कम। देन सेक्शन 3 इज ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, सेल एंड टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस। इसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे ABC मॉडल ऑफ फ्लोरल ऑर्गन, ठीक है। देन आप एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन, फोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड इंपॉर्टेंट ऑल प्लांट हॉर्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ब्रेसिनोस्टीरॉइड्स एंड प्लांट हॉर्मोन्स। ये पोर्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोट्रॉपिन्स, फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको इस थर्ड सेक्शन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन इन टॉपिक से इस साल भी क्वेश्चन पूछे गए थे, नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे 2025 के अंदर।
देन आए हम लोग सेक्शन नंबर 4 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉटनी स्टूडेंट्स आप इस सेक्शन को अच्छे से कवर करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन को आपको अच्छे से डिटेल में समझना है आपको। तो यहां पर है आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो सेक्शन है ये आपके CSIR की यूनिट नंबर 6 and 1 में भी कवर होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स साथ में तैयारी करें CSIR की और गेट की, कि CSIR से आप JRF ले लें, गेट से आप IITs में जा सकें, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 units यहां से प्रिपेयर होगी आपकी। सो इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन, इसमें आप सभी चीजें पढ़ेंगे, अपटेक, ट्रांसपोर्ट, इसमें सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा आप वाटर पोटेंशियल और बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिजम्स, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। देन आपका फोटोसिंथेसिस की चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, एंड इसके अलावा आपको पढ़ना होगा स्ट्रेस बायोलॉजी, तो एबायोटिक स्ट्रेस एंड बायोटिक स्ट्रेस आपको अच्छे से पढ़ना है। देन बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं आपको बायोकेमिस्ट्री के पार्ट में। देन आपको रेस्पिरेशन और बाकी मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस पढ़ने हैं आपको इन दी बायोकेमिस्ट्री। साथ में आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे एंड डिफरेंट हार्मोनल एक्शंस आप करेंगे, जो कि आपने एम्ब्रियोजेनेसिस में भी देखा था, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 5+5 to 7 या फिर इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। देन जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, ये अनदर इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5। इसमें आप सेल साइकिल, सेल डिविजन्स पढ़ने वाले हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे जिससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन यहां से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। देन आप एपिजेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जीन साइलेंसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, MIRNA, SIRNA, एवोल्यूशन, यूप्लॉयडी, एन्यूप्लॉयडी, ये सभी चीजें आप प्रोटियोमिक्स, मेटालोमिक्स, ये सब कवर करेंगे सेक्शन नंबर 5 में। इसमें भी आप 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार कम भी आते हैं सेक्शन से। देन प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग, इसमें बच्चों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे एनिमल रेस्क्यू, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड प्लांट्स, प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसके सभी एस्पेक्ट्स आपको कवर करने होंगे, माइक्रो प्रोपगेशन से लेकर के एम्ब्रियो कल्चर, इन विट्रो जनरेशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सभी पार्ट्स आपको इसके कवर करने होंगे। क्रिस्पर एक हॉट टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक है, तो इस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। देन इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी, इस पार्ट के अंदर आप मेडिसिनल प्लांट्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स पढ़ेंगे, चाहे वो मेडिसिनली हो, चाहे वो हमारे फूड के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो फ्यूमिगेटरी हो, चाहे बेवरेजेस से रिलेटेड हो, टी कॉफी हो, तो लाइक कोई भी आपको प्लांट्स के अलग अलग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जिनके हम क्लासिफाइड करते हैं, ऑयल क्रॉप्स एंड एवरीथिंग, तो उनको हम पढ़ते हैं, जैसे सीरियल्स होंगे, उसके बाद में बेवरेजेस क्रॉप्स होंगी, देन ऑयल लीडिंग क्रॉप्स होगी, रबर की क्रॉप्स होगी, ठीक है, गम्स की, डाई की क्रॉप्स होगी, ड्रग्स की, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है। ऑल्सो अलग प्लांट ग्रुप्स है, एल्गी, फंजाई, लाइकन, बैक्टीरिया और डिफरेंट कैश क्रॉप्स, इनके बारे में आपको स्टडी करनी होगी, तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। देन सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आपको इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेस देखनी है और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कॉज्ड बाय दीज डिजीजेस, फंगल डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपके निमेटोड, वायरस एंड बैक्टीरियल डिजीजेस भी इंपॉर्टेंट है। इनका कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सिस्टमिक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलता है, और प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स में सैलिसाइलिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड, प्लांट पैथोजन एंड प्लांट हर्बीवोर इंटरेक्शन के अंदर आपको ये चीज पढ़नी चाहिए। इससे आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन या फिर कभी बार किस्मत अच्छी हो तो उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देन आते हैं लास्ट सेक्शन में, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आराम से आपको 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पढ़ना है इकोसिस्टम्स, इनके डिफरेंट टाइप्स, डायनेमिक्स, डिग्रेडेशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इकोलॉजिकल सक्सेशंस, ये सब, एनर्जी फ्लो और वेजिटेशन टाइप्स, डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट क्लाइमेट्स, फ्लोरा, बायोडाइवर्सिटी, देन दीज डिफरेंट प्लांट इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स,
एंड एपीफाइट्स, पैरासाइट्स, एंडोफाइट्स, ये सभी पोर्शंस आपको कवर करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको टारगेट करना है 2025 के लिए, तो इन सभी सिलेबस के सभी सेक्शंस को कवर कीजिए, ठीक है। सेक्शन 1-9 सारे सेक्शंस को कवर कीजिए, तब आप एक अच्छी रैंक स्कोर कर पाएंगे। अगर आपका पहले से फिक्स है कि मुझे बॉटनी का सेक्शन ही लेना है 2025 के लिए, तो अभी से इसकी थ्योरी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और अभी से बच्चों इसके क्वेश्चंस, इसके PYQs, इन सभी चीजों को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी से आप कर देंगे तो 2025 तक, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट और लेना है, दो सब्जेक्ट लेने होंगे अगर आप लाइफ साइंस से दे रहे हो तो। सेकेंड सब्जेक्ट आप जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से आप ले सकते हो। आई होप फूड टेक्नोलॉजी आप लोग नहीं टारगेट कर रहे होंगे, तो इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट और आपको एक्स्ट्रा चूज करना है, तो आपको इसके साथ साथ इस दूसरे सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करनी है। एंड देन आपके एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, दैट इज योर केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का वेटेज इतना है कि आपको केमिस्ट्री अच्छे से पूरी करनी ही होगी, ताकि आप कम से कम एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम अंडर 20 रैंक स्कोर कर सके। अंडर 20 रैंक लाना जरूरी है एक अच्छे IIT में जाने के लिए, क्योंकि PhD की सीट्स वैसे भी कम होती है, तो आप लोगों को एक अच्छी रैंक स्कोर करना होगा, तो अभी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगर इसमें कोई हेल्प आपको लगती है तो जरूर IFS की ऐप डाउनलोड करके गेट 2025 के अंदर जाइए, ठीक है, टारगेट के लिए। और IFS की वेबसाइट में भी जा सकते हैं, यहाँ पर फ्री PYQs है, पुराने पेपर है, रैंक वन की स्ट्रेटजी और डिटेल्ड पेपर एनालिसिस है। ऑल्सो आप देख सकते हो 1994 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर है उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐप पे जाइए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, पता चलेगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से। इसके अलावा भी सेक्शंस आप चूज कर रहे हैं, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी और इनसे लेना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। एंड अगर आप गेट BT के स्टूडेंट हैं तो भी आपको कर सकते हो आप, है ना, BT EY एवरीथिंग। एंड इफ यू वॉन्ट अ प्रिपरेशन विद IFS, सो देर इज दिस एक्सक्लूसिव कोर्स, क्विज जो है वो फ्री भी मिल जाएगी आपको। रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं गेट के, 30% ऑफ पे, कूपन कोड IFS30 यूज करना है, एंड द ड्यूरेशन इज 6, 9, and 12 months। एंड इसके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी है, इस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप थ्योरी प्रिपेयर कीजिए, टेस्ट सीरीज आप जब एग्जाम पास आए तब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, उसी समय प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आप थ्योरी स्ट्रांग कीजिए, जितनी ज़्यादा थ्योरी हो सके स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी ही इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे, बॉटनी सेक्शन को। कुछ और वीडियोज लेके आऊंगा मैं आपके लिए, जिसके अंदर हम लोग जूलॉजी के सेक्शन को भी कवर करेंगे, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड बाकी सेक्शंस को भी कवर करेंगे, इवन केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे। तो ओवरऑल आपके गेट के अंदर इवन बायोटेक्नोलॉजी, BT EY भी, तो जितने भी आप लोगों के सिलेबस का एनालिसिस है प्रॉपर तरीके से, वो सभी करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एंड अगर आपको कुछ और वीडियोस की डिमांड्स है तो वो भी जरूर रखिएगा कमेंट। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।